नमस्कार, आप देख रहे रहता हूँ और मैं हूँ आपके साथ कोमल पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में चल रही G20 की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री स्तरीय बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने MSME का जिक्र करते हुए कहा कि MSME 60-70% रोजगार देता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 50% योगदान देता है और उन्हें हमारे निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। उनका सशक्तिकरण का अर्थ सामाजिक सशक्तिकरण है। हमारे लिए MSME का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नीतिगत स्थिरता लाए हैं और हम अगले कुछ वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत में जश्न का माहौल है। पूरी दुनिया भारत की सफलता पर बधाई दे रही है। इसी क्रम में राष्ट्रपति पुतिन समेत अमेरिका और यूरोप ने चांद पर सफल लैंडिंग के लिए भारत को बधाई दी है। पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए भारत को बधाई दी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी उन्हें बधाई दी है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी इसरो की अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए भारत को बधाई दी है, जबकि नासा ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 4th देश बनने पर बधाई। इस मिशन पर आपका पार्टनर होने पर हमें खुशी है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई और कुछ मकानों के क्षतिग्रस्त होने के अलावा 400 से अधिक सड़कें बाधित हुई है, जिसके बाद मौसम विभाग ने शिमला समेत राज्य के 12 में से 6 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी भीषण बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट भी जारी किया है। रेड अलर्ट जारी जिले में शिमला के अलावा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोनल और सिरमौर शामिल है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार शिमला शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यहां कई घरों में दरारें भी आ गई हैं। वहीं 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत के बाद से 238 से भी अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 40 लोग अब भी लापता है। कुछ अर्से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। विमान दुर्घटना में वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन के अलावा 9 और लोगों की मौत हुई है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समय शाम 5 बजे के आसपास मंत्रालय ने घोषणा की कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा है एक निजी एम्ब्रेड लिगेसी विमान टावर क्षेत्र के कुजिनिको गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में चालक दल के 3 सदस्यों सहित जहाज पर 10 लोग सवार थे, जिसमें रूस की सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन थे और इन सबकी मौत हो गई है। पंजाब के अमनप्रीत सिंह ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन चैंपियनशिप यानी ISSF चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल का स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने इस चैंपियनशिप में देश को 5वां स्वर्ण दिलाया है। अपने मैच के दौरान अमनप्रीत ने 577 का स्कोर किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कोरिया के ली गुनयोक ने उनसे 3 अंक कम यानी 574 स्कोर किया। वहीं इस प्रतियोगिता में भारत के हर्ष गुप्ता ने 573 के साथ 4th स्थान पर रहे। इसके अलावा विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने भी पदक जीता है। महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय निशानेबाजों टियाना यस्तिका शोकीन और कृतिका शर्मा ने कुल 1601 अंकों के साथ कांस्य जीता है, जिसके बाद भारत इस स्पर्धा में 5 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 9 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है।